नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5 मिनट 25 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर की राजनीति पार्टियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा, परमिशन खत्म होते ही होंगे कश्मीर में चुनाव। आज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वदेशी विमान वाहक पोत का करेंगे निरीक्षण। तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, अब तक 85 देशों में पाया गया है वेरिएंट, WHO ने दी इसकी जानकारी। जम्मू कश्मीर में उभरेगा नया राजनीतिक समीकरण, परमिशन से खत्म होगी खानदानी सियासत, दूर होगा राजनीतिक पक्षपात। निर्मला सीतारमण का बयान, कहा भारत में निवेश के बेहतरीन अवसर, कोविड में सरकार ने उठाया है मजबूत कदम। कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी में अलर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच तेज करने के दिए निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले भाजपा की कुनीतियों के कारण बड़ी बेरोजगारी और विस्फोटक हो सकती है स्थिति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त प्रधानों को लिखा पत्र, मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान पर दे जोर। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश, लागू करें समान पाठ्यक्रम। वहीं मेरठ में 4 आशा कार्यकर्ताओं में डेल्टा प्लस वेरिएंट की आशंका, जांच के लिए भेजा गया है सैंपल। चीन के मार्शल आर्ट स्कूल में लगी भीषण आग, हादसे में 18 लोगों की मौत, वहीं 16 लोग हुए घायल। तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, अब तक 85 देशों में पाया गया है ये वेरिएंट, WHO ने दी इसकी जानकारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 मंजिला भवन ढहने के बाद 51 लोग हुए लापता, वहीं एक की मौत, 35 लोग बचाए गए। इमरान के महिलाओं पर दिए बेहुदा बयान से खफा पाकिस्तान, मानवाधिकार आयोग का सार्वजनिक तौर पर मांगे माफी। पत्रकारिता अपराध नहीं, एप्पल डेली के बंद होने पर बोले बाइडेन, हांगकांग दुनिया में मीडिया की आजादी के लिए दुखद दिन। पेसर शांत शर्मा की उंगली की हुई सर्जरी, WTC फाइनल के दौरान हुए थे घायल। टोक्यो ओलंपिक में लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम, रानी रामपाल को मिली कमान। गावस्कर ने एक पंत के खराब शॉट पर आउट होने की आलोचना की, बोले उन्होंने केयर फ्री होकर नहीं बल्कि केयरलेस बैटिंग की है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में मेडल की दावेदार, अखबार में मोहम्मद अली के बारे में पढ़कर जागी थी इस खेल की दिलचस्पी। टीम इंडिया के कोच बोले कंडीशंस के लिहाज से बेहतर टीम जीती, कहा बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। करिश्मा कपूर का 47वां जन्मदिन आज, फैंस ने बर्थडे के मौके पर दी बेस्ट विशेष। सुनील ग्रोवर बोले बेटे को पसंद नहीं गुत्थी, मुझे महिला के रोल में देख उसका मजाक उड़ाते हैं दोस्त। शबाना आजमी हुई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, महंगी शराब का किया था ऑर्डर, ट्वीट कर दी पूरी जानकारी। किश्वर मर्चेंट जल्द बनने वाली है मां, सोशल मीडिया पर शेयर की गोद भराई की तस्वीरें।
जानवी कपूर ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर, फैंस ने दिया रिएक्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।